कैसे हो सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं गेमिंग चैनल से बदलने के ब्लॉग चैनल खोल रहा हूँ। तो ये ब्लॉग चैनल की खोलने की मोटिव है क्योंकि मैं गेमिंग ज़्यादा सा नहीं खेलता, बहुत ख़राब होता है मेरा गेमिंग, तो इसलिए मैं गेमिंग छोड़कर ब्लॉगिंग करने वाला हूँ। तो ब्लॉगिंग के बारे में मेरा कुछ नहीं पता, अता पता अला पता हूँ मैं। तो क्या पता है मेरे को, जो भी सीख रहा हूँ तो यूट्यूब से सीख रहा हूँ, जो भी ब्लॉगिंग चैनल है उससे सीख रहा हूँ, और ब्लॉग से थोड़ा कुछ सीखा जो मेरा लाइटिंग तो एंड कैमरा। तो मेरे पास तो ये छोटा सा मोबाइल है, और इसके अलावा मेरे पास एक अच्छा खासा पीसी है जो जिसके बारे में बताने वाला हूँ। और मैं एक छान सा मिडिल क्लास लड़का हूँ जो इसके सामने आया, थोड़ा सा बड़ा यूट्यूबर बने, तो थोड़ा सा हेल्प कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, मैं जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देना, क्योंकि एक साल हो चुका है और जो मेरे गेमिंग वीडियो था मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉगिंग चैनल है। जो भी न्यू आए हो और जो पहला बंदा सा अनसब्सक्राइब करके चला गया है, आई थिंक मुझे पता है मैं कि एक साल से मैं वीडियो नहीं डाल रहा तो सब्सक्राइब नहीं करेगा बेटा, तो फिर से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ब्लॉगिंग चैनल खोल रहा हूँ। और ब्लॉगिंग जिसको पसंद नहीं और अनसब्सक्राइब ब्लॉगिंग जिसको पसंद नहीं वो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं थोड़ा सा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल कलकत्ता से। मैं कलकत्ता का मिडिल क्लास लड़का हूँ, और मैं मेरा जो मैं यूट्यूब का सपना है, मैं छोटे से उम्र के से 10th आई थिंक मैं बोर्ड जब पास 12th पास किया था तो उसके बारे में हुआ। बंगाली आई थिंक हिंदी बोलना नहीं आता मेरे को, बंगाली में कम्फर्टेबल हूँ, बट आई नो मुझे पता है थोड़ा सा आगे जाने के लिए थोड़ा सा कुछ बड़ा करना पड़ता है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा थोड़ा हिंदी बोल रहा हूँ। और आई थिंक कैसे लगा आप लोगों को थोड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना, और थोड़ा सा आइडिया देना क्योंकि मेरे पास ब्लॉगिंग का कोई अच्छा खासा सामान नहीं है। और मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा एक्सपर्ट हूँ, और मैं कोर्स भी कर रहा हूँ IMS कॉलेज में, तो थोड़ा थोड़ा जानकारी आई थिंक हो जाना चाहिए, तो एडिटिंग का अच्छा खासा चीज़ पता होगा। मेरा ये फर्स्ट ईयर है। तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूँ गाइस, मेरे पास जो जो है ब्लॉग करूँगा, सच में जो जो होगा तो सब कुछ दूंगा, और थोड़ा थोड़ा चीज़ जो मैं एडिट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा फेसियल एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड नॉइस, इसलिए एक्सपेरिमेंट करूँगा एडिटिंग का एक्सपेरिमेंट करूँगा, बट ऐसा कुछ कट क्रॉप नहीं करूँगा जिसके बाद आप लोग को पता नहीं चले। मैं चाहता हूँ कि ब्लॉगिंग चैनल में सब कुछ पता चले मेरे बारे में, जो कुछ होता है सारा दिन में ऑल टाइम, तो बंगाली बोल देता सारी। और गाइस, मेरा बैकग्राउंड बहुत बुरा लग रहा है तो चेंज करते हैं पहले। तो गाइस देख लिया मैंने, टिकटॉकर हो गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कलकत्ता का लड़का हूँ, कलकत्ता। ओ गाइस, तो मैं आज से बोल रहा था कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, तो ब्लॉगिंग का रोज़ आई थिंक एक दो दिन बाद नहीं आएगा, रोज का वीडियो रोज आएगा, और एडिटिंग का जितना सॉफ्टवेयर होगा तो रात में करेंगे। तो गाइस, ये मेरा थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग है, और इसके बारे में जो बताने वाला हूँ तो आगे देखो उसके बारे में। तो थोड़ा सा एक कंप्यूटर रखा है यहाँ पर थोड़ा सा कंप्यूटर रखा है, माइक रखा है, और यहाँ पर बोर्ड रखा है जिसके बारे में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, तो इससे अर्थिंग करा है, उसके बाद मेरे कंप्यूटर है और PC है, तो दिखा देता हूँ पहले। तो गाइस, ये मेरा कंप्यूटर है, BenQ का कंप्यूटर है, आई थिंक 70 का, 270 का इंच, और एक रिंग लाइट है मेरे पास जो फेस का जो लाइट आता है उसके बारे में, और ये सब बाहर गया है, जो बाहर मेरा काम नहीं आता और जो नहीं है अभी तक नहीं निकाला, बाद में निकाल दूंगा। एक छोटा सा चश्मा है जहाँ पर लेंस है, मेरा खुद का काम आता है, जब तक एडिटिंग करता हूँ तब पहनता हूँ। सॉरी, माइक है एक छोटा सा अच्छा खासा, और एक कीबोर्ड है जो अच्छा खासा मेरे को इफ़ेक्ट देता है। और ये गाइस, ये सबसे अच्छा बात है, मेरा माउस है, जो माउस बहुत हल्का है और भारी भी नहीं है और ज़्यादा वेट भी नहीं है, तो ये अच्छा खासा 3-4 घंटा आराम से एडिटिंग के टाइम बहुत इफ़ेक्ट देता है हाथ में, जो दर्द नहीं करता। और एक छोटा सा बजरी जो बजता नहीं है अभी भी, और ये मेरा PC सेटअप है। चलो गाइस, ये इसके अंदर Ryzen 5 लगा है, और इंटेल का आई थिंक मैं लगाने भी सोच रहा हूँ, कैसा इंटेल का अच्छा, Ryzen 5 अच्छा है तो बताना कमेंट में। और उसके बारे में 3-3 पंखे है भाई, और इसको छोड़ के और एक चीज़ है जो दिखाने वाला हूँ, जो बैकग्राउंड में लाइट आ रहा था
इसके बारे में। तो गाइस ये अच्छा खासा लाइट दे देता है बैकग्राउंड में, तो अच्छा खासा लाइट के बारे में। और एक मेरा अनलिमिटेड इंटरनेट के सोर्स है जियो, तो फिलहाल तो इंटरनेट नहीं आ रहा और मैं यहाँ पर एडिटिंग करता हूँ, तो प्रीमियर प्रो में ही एडिटिंग करता हूँ और फोटोशॉप में सॉफ्टवेयर करता हूँ। मतलब और एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, तो टुडे फॉर द वीडियो लास्ट टाइटल, तो आज फर्स्ट वीडियो है गाइस, प्लीज़ जल्दी से जल्दी 40 व्यूज करवा दो प्लीज़। तो गाइस इस वीडियो को इस तरह से लगते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।